हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं सैयद टेक चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारे सोनी की गूगल एंड एंड्रॉयड बहुत सारे जितने भी टीवीज़ है गूगल एंड्रॉयड पे, तो कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। जैसे भी घर में बच्चे लोगों के लिए हमारे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होना ज़रूरी है, नहीं तो वो दिन भर कंटिन्यू टीवी देखते हैं, टीवी देख लेंगे। अगर जैसे पेरेंट्स काफ़ी टाइम अगर बाहर है तो पूरा दिन टीवी देखते हैं, देन फिर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। तो बेसिकली इसमें एक ऐसी सेटिंग है जिसके थ्रू आप लिमिटेशन लगा सकते हो। जैसे घर में अगर बच्चे को सिर्फ आपको एक घंटा ही टीवी देखना है तो वो भी आप कर सकते हो स्क्रीन टाइम लगाकर। साथ ही साथ अगर आपके जो भी, जैसे घर में बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब देखते हैं कंटिन्यूस, वो कार्टून्स देखेंगे, शोज देखेंगे। देखिए यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है, तो काफ़ी एड्स में कोई अच्छे शॉर्ट्स नहीं है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। तो बेसिकली उसके लिए ये सारे ऑप्शन आपको ईजिली अवेलेबल है। तो आप इस पर सेटिंग्स में जाकर वो सारी चीज़ें लॉक भी कर सकते हो। जैसे हम पिन एंड पासवर्ड रखते हैं हमारे मोबाइल में, उसी तरह आप इसमें भी आप आपके लॉक सिस्टम डालकर यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए बेनिफिट होता है। तो आइए आज मैं बताता हूँ वो आप कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपके रिमोट में आपको आपके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद देखिए सबसे नीचे आपको ऑप्शन होता है बेसिकली सिस्टम ऑप्शन में। देन सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एक पैरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन आपको आता है। वहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको पैरेंटल कंट्रोल में सारे ऑप्शंस आपको लिखे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है। देखिए इस पर लिखा है पैरेंटल कंट्रोल अलाउ यू टू सेट रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजेज ऑफ चैनल एक्सटर्नल इनपुट्स एंड ऐप्स, यू कैन ऑल्सो सेट स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्शंस। मैंने जैसे आपको बताया लाइक इसमें आप आपका पिन डालकर लॉक भी कर सकते हो, जो भी एप्लीकेशन को आपको लॉक करना है या बच्चों के लिए स्क्रीन टाइमिंग आपको लिमिटेड रखना है 1 आवर 2 आवर जितना भी उनको दिखाना है आपको मैक्सिमम। तो यहाँ सारे वो ऑप्शन दिए। लेट्स सी, सबसे पहला आपको देखिए नीचे यहाँ पे पिन का ऑप्शन है। यहाँ पर जाके आपको जो भी आपको पिन रखना होगा नंबर ऑफ 4 पिन्स के आप रख सकते हो। उसके बाद आपको चैनल एंड एक्सटर्नल इनपुट्स में जाना है। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे भी मैंने सिंगली अपने नॉर्मल पासवर्ड डाल लिया, उसको ओके किया, तो देखिए यहाँ पे आपको आ जाता है रिस्ट्रिक्ट टीवी वॉचिंग। तो आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें कर सकते हो, आपको चैनल ब्लॉक करना है, एक्सटर्नल इनपुट ब्लॉक करना है, तो ये सारी चीज़ें रहेगी। अगर अब आपको ऐप के लिए करना है तो उसी के सेकंड ऑप्शन में ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको उसमें आपका पिन डालना पड़ेगा। सी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट ऐप्स आपको जो भी है सिलेक्टेड ऐप्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सबसे पहले ऑन करना है, देन फिर आप यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस है। जैसे एग्जांपल अगर अभी घर में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बच्चे देखते हैं वो है यूट्यूब, तो यहाँ आप डायरेक्टली जाके यूट्यूब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको जो रहेंगे, देखिए यहाँ पर यूट्यूब, मैंने यहाँ पर उसे लॉक कर दिया। ओके, लेट्स सी वो लॉक हुआ है क्या नहीं। अभी YouTube ओपन किया। सी तो अब ये आपका जो ऐप है वो लॉक हो चुका है, तो बच्चे बिना पासवर्ड के खोल नहीं सकते। तो ये आपके लिए सबसे इजी ऑप्शन हो गया। जब तक आप पासवर्ड डालेंगे नहीं तब तक ये ओपन नहीं होगा। सी तो आपको इजीली हो जाएगा।